हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जैसलमेर को। यहाँ पे फोर्ट है और एक लेक है और हवेली है। और देखिए सनसेट, गड्डीसर लेक जैसलमेर का सनसेट बहुत ही प्यारा। गुड आफ्टरनून। तो हम हैं अभी जैसलमेर में और अपने होटल से सीधा जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट की तरफ। मैंने मैप लगा लिया है, यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा था, अब जस्ट 500 रह गया है मीटर्स और 7 मिनट दिखा रहा है। और ये देखिए जैसलमेर की गलियाँ, गलियों के अंदर से होके जा रहे हैं। लोकल आए हैं और लोकल सिटी में ना घूमें तो मज़ा नहीं है। पहले तो फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे, फिर एक हवेली है वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जाएंगे लेक पे। ये सभी चीज़ें हम आज जैसलमेर में आपको दिखाने वाले हैं और कल जाएंगे फिर हम लोंगेवाला पोस्ट। वो बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग है, तो कल वो दिखाएंगे। अभी तो आप ये देख लीजिए जैसलमेर को, बहुत ही बढ़िया मार्केट है। यहाँ पे जयपुरिया रजाई मिल जाती है और सूट्स मिल जाते हैं, शॉर्ट्स कुर्तियाँ मिल जाती हैं राजस्थानी, और भी काफ़ी कुछ अट्रैक्शन है यहाँ पे ख़रीदने के लिए। तो वापसी में हम आएंगे, ख़रीद के ले जाएंगे कुछ ना कुछ। ये देख लीजिए, ये है स्ट्रीट जैसलमेर की, बहुत ही बढ़िया। पैदल चलने में कुछ तो फ़ायदा होता है। तो कैसे अभी मार्केट में हैं धनराज रनमल बाटिया, काफ़ी फेमस ये शॉप है, स्वीट शॉप। और हमने लिया है ये अपना मावा कचौड़ी, और यहाँ पे तरह तरह की कचौड़ी है, प्याज कचौड़ी है, समोसा है और जलेबी वगैरह है काफ़ी। क्या नाम है भाई आपका? मैं नाम राहुल कुमार यादव। राहुल कुमार यादव, और काफ़ी फेमस शॉप है यहाँ की, है ना? तो अभी हम खा रहे हैं मावा कचौड़ी, फिर बताएंगे आपको। तो गाइस हमने घेवर अभी लिया है, यहाँ का फेमस, अभी 250 ग्राम लिया है, तो अभी रास्ते में कहीं खाएंगे। और ये लाए थे हम घेवर, फेमस घेवर यहाँ का। तो चलते हैं, बढ़िया घेवर। तो ये मेन गेट पे पहुँच गए हैं जैसलमेर के। तो ये इंडिया का पहला लाइव फोर्ट है, इसके अंदर लोग रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं टिकट कितने की है इसकी। गाइस हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर फोर्ट, सामने देखिए, ये देखिए ब्यूटीफुल जैसलमेर फोर्ट, बहुत ही शानदार। और इस गेट से हमने एंटर किया है और चारों तरफ शॉप्स हैं यहाँ पे, बहुत ही बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। और अब चलते हैं फोर्ट में। किला देख रही हो, इंडिया का सेकंड नंबर किला है, फर्स्ट नंबर चित्तौड़गढ़ यहाँ पर है, सेकंड नंबर जैसलमेर का फोर्ट है, ये लिविंग के अंदर है। इस किले में आज भी दो कास्ट है, ब्राह्मण राजपूत, राजा ने बिठाई है, उसकी पीढ़ियाँ चली आ रही है। आप ऐसा फोर्ट देखने जा रहे हो जिसमें राजा बाहर है, पब्लिक अंदर है, दूसरे फोर्ट के अंदर राजा अंदर पब्लिक आ रहे। तो किले में आप अंदर इंटर हो चुके हो, जिसका नाम है अखीर पोल, और चार गेट की एक खासियत है कि आपने पहला पोल देख लिया, दूसरा आपको नजर नहीं आएगा, दूसरा देख लिया, तीसरे के चौथा, चारों गेट सांप की तरह बनाए हुए यहाँ पर। ये गोल गोल टावर देखिए, ये 99 टावर है, तो राजस्थानी भाषा में बोलता है ब्रिज, यहाँ पर सैनिक सुरक्षा के लिए खड़े होते थे। बड़ा टावर बेरी साल ब्रिज, बेरी का मतलब दुश्मन, साल का मतलब सजा। राजा के समय कोई भी दुश्मन गद्दार नहीं करता, उसको जिंदा ही फेंकते थे नमक के बोरे में, वो मर जाएगा, उसकी बॉडी भी गल जाएगी। एक जमाने आपने बाहुबली पिक्चर देखा होगा, वो गोल गोल पत्थर रखे लड्डुओं की तरह, राजा के समय एक जमाने के हथियार, जब ये गोले उसके दुश्मन के ऊपर फेंकते थे, ये छोटी छोटी नालियाँ रखी है जिससे गर्म तेल या गर्म पानी डालते थे, क्यों डाले? उस जमाने में हाथियों को घोड़ों को नीचे गिराने के लिए रास्ते पर तेल डालते थे। राजस्थान में इतना पानी का शॉर्ट था, जब हमारे यहाँ मेहमान को जाते थे उसको दूध घी और छाछ मिलता था पीने का, पानी आज भी नहीं है। किला पूरा इंटरलॉकिंग है, इसमें कोई चूना सीमेंट पानी नहीं है, एक दूसरे पत्थर को ज्वाइंट किया हुआ, इंटरलॉकिंग काम किया है। जैसे जोधपुर को ब्लू सिटी, उदयपुर को व्हाइट सिटी, ब्लैक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी, जैसलमेर की स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी, गोल्ड पत्थर सैंड स्टोन का है। ये किले का पहला गेट है अखे पोल, अखे सिंह राजा के नाम से। सेकंड गेट है सूर्य पोल, सूर्य की पहली किरण पड़ती है, तोरणिया द्वारा अपन को वेलकम कर रहा है।
यहाँ पर है। भाई जैसे मैं फोर्ट को एक्सप्लोर कर लिया है, अब हम जा रहे हैं पटाओ की हवेली देखने, और बहुत ही शानदार है वो भी, और उसके बाद जाएंगे लेक देखने, और इसके बाद फिर सीधा अपने रूम पे। हम जैसलमेर की गलियों से होके जा रहे हैं पटाओ की हवेली। ये देखिए लोगों के घर हैं ये जैसलमेर में। वैसे तो हम बहुत घूमते हैं ऑटो टैक्सी कार, और पैदल घूमने में पूरी सिटी नज़र आती है, लोगों के घर नज़र आ रहे हैं बढ़िया। तो कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे पटाओ की हवेली। हम पहुंच गए हैं पटवा की हवेली, और ये सामने देखिए ये है पटवा की हवेली, और ये पांच हवेलियों का समूह है, और इसके अंदर चलेंगे। और देखिए अंदर शीश महल, पूरा शीशे का काम हुआ पड़ा है सामने, तो अंदर चलते हैं। हम आ गए हैं देखने पटाओ की हवेली। ये गवर्नमेंट हवेली है और पीछे है प्राइवेट हवेली, और जो प्राइवेट हवेली है उसको तो म्यूज़ियम बनाया हुआ है, और म्यूज़ियम के अलग चार्जेज हैं। तो ये एंट्री गेट है, ये देखिए। तो यहाँ से हमने टिकट लिया सामने 50 रुपीज़ पर पर्सन, दो टिकटें लिए हैं, और ये एंट्री है हवेली की। क्या शानदार हवेलियाँ आती थी पहले, क्या बात है हवेली की। तो ये नीचे का व्यू है, और आप चलते हैं ऊपर। हवेली का एक कमरा दिखा देता हूँ आपको, ये लकड़ी का द्वार है। तो ये आले कहते थे हम इनको, आले अलमारियाँ, छोटी छोटी अलमारियाँ हैं सामान रखने के लिए। ये छज्जे हैं, अलमारियाँ छज्जे ये सब बने होते थे पहले। ये ऊपर जाने का रास्ता, ये हम आगे हैं टॉप फ्लोर पे। बहुत बड़ा आंगन है, और आंगन में से एक दरवाज़ा कमरा, ये भी एक कमरा है, ये दूसरा कमरा। हवेली पे हवेली, ये देखिए, अरे एक फ्लोर और है अभी तो। तो गाइस ये है शीश महल, सबसे मेन अट्रैक्शन है इस हवेली की, ब्यूटीफुल शीश महल, ये देखिए। और ये आला खिड़की, और ये नीचे का रास्ता। तो गाइस ये है शीश महल, हवेली का थर्ड फ्लोर पे है ये शीश महल, और ये नक्काशी ऊपर पेंटिंग है, और ये पूरे शीशे के बने हुए हैं ये चबूतरे कोने, ये देखिए ब्यूटीफुल, ये पूरा शीशे का वर्क हुआ पड़ा है, और ये सारा शीशा लगा हुआ है, तो ये दोनों कमरों में शीशे हैं। इस समय मैं हवेली के सबसे टॉप रूफ पे हूँ, मतलब कि टेरेस पे हूँ, और ये सामने देखिए जैसलमेर फोर्ट, कितना खूबसूरत है जैसलमेर फोर्ट। और वो रेलवे स्टेशन है सामने, दिख रही होगी ट्रैक, और इस तरफ है वो लेक है जो जहाँ पे बोटिंग होती है, और ये पूरी जैसलमेर सिटी आप देख पा रहे हैं, गोल्डन सिटी कहते हैं इसको। और एक हवेली वो है जहाँ सब टूरिस्ट खड़े हैं, दूसरी हवेली, तीसरी हवेली, चौथी हवेली, एक सामने हवेली है, टोटल पांच हवेलियाँ हैं। तो हवेली के दर्शन तो हो गए हैं, अब हम चलते हैं अब लेक पे। ये लांबा साहब हवेली से जंप मारते हुए उतर रहे हैं। तो गैस अभी हम जा रहे हैं थर्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन जो जैसलमेर की है, गोडीसर लेक। और यहाँ पे देखिए स्ट्रीट के अंदर से जा रहे हैं जैसलमेर की, और हर घर यहाँ हवेली लगती है, लोगों ने हवेली टाइप अपने घर बना रखे हैं। तो गैस हम पहुँच चुके हैं गोडीसर लेक, ये सामने देखिए गोडीसर लेक, जहाँ से पूरे जैसलमेर पानी पीता है। और यहाँ पे देखते हैं बोटिंग चार्जेस, मैं बताऊँगा कितना चार्जेस है बोटिंग का, ग्रुप में जाते हैं, सिंगल में जाते हैं, कैसे जाते हैं वो अभी सब बात करेंगे अभी आगे जाके। अभी चाय का ऑर्डर दिया है, पहले चाय पी लेते हैं फिर चलेंगे आगे बोटिंग के लिए।
तो गाइस अभी हम हैं गड़ीसर लेक और एक अंकल मिले हैं यहाँ के लोकल, मैं मिलवा देता हूँ आपको उनके से। ये हमारे अंकल हैं, क्या नाम है आपका? परमानंद जी हैं और यहाँ पे हमेशा आते हैं और ये मछलियों को चारा डालते हैं। देखो मछलियाँ चारा ही होता है इनका, तो ये रोटी वगैरह डालते हैं, रोज डालते हैं और काफ़ी कुछ बताया इन्होंने। आप बताना मेरे को एक बार फिर क्या क्या था ये? ये टीला भी प्रोल है। किसका? देशिया की थी, देशिया का ये किला था, किला प्रोल है, प्रोल प्रोल। अच्छा, प्रोल बनाई है, इसके ऊपर मंदिर बना रखा है, इसके ऊपर गजानंद जी का मंदिर बनाया। और ये किस लिए होता था? ये दरबार बैठता था, यहाँ बादशाह बैठता था, सैर करने आता था, बैठता था। अच्छा, सैर करने दरबार आते थे राजा जी और यहाँ बैठते थे, दरबार लगाते थे मतलब ठंडे ठंडे में एकदम। हाँ, ये तालाब पानी के पीने के लिए था, ये तालाब पानी पीने का था ना। तो ये वो हिंगराज मंदिर है वो। हाँ, और सामने मंदिर है, मंदिर है हिंगराज, हिंगराज मंदिर, हिंगराज। अच्छा, हिंगराज माता का, हिंगराज माता का, हिंगराज माता का मंदिर है सामने, बहुत पुराना है। हाँ, ये भी शिव मंदिर है, दरबार का बना। अच्छा, ये शिव मंदिर है सामने। अच्छा, और ये छतरियाँ वगैरह, ये छतरियाँ ये सेवकों की होती है क्या? सब दरबार ने बनाई थी। अच्छा, यहाँ को चौकीदार बैठते थे यहाँ पे? हाँ, चौकीदार गढ़सिंह दरबार ने ये गढ़ीसर बनाया था, गढ़ीसर ने बनवाया था ये, गढ़ीसर गढ़सिंह जी दरबार थे, गढ़सिंह जी। हाँ, उन्होंने ये। अच्छा, गढ़सिंह जी ने बनवाया ये पूरा लेक। तो आप यहीं से हमेशा यही रहते हैं? कबूतर का चुका डालना, मछलियों को रोटी डालना, बाकी मंदिर जाना, 7 बजे आरती करा के घर चला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं भाई साहब, अच्छा। तो अंकल जी ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें इस लेक के बारे में, तो देखते हैं बोटिंग का। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं बोटिंग लेक में, गढ़ीसर लेक में, और इसका चार्ज है 300 फॉर 2 पर्सन, और ये पैडल बोट है, और 4 लोगों के 600 पैडल बोट, और जो 6 लोग हैं उनके लिए दूसरा मिलता है बंदा चलाने वाला, उसकी 900 रुपये है और 1800, इस तरह से है कुछ रेट। यहाँ पे हम खड़े थे काफ़ी देर, और ये छतरी सामने, काफ़ी अच्छा व्यू है चारों तरफ का, और सनसेट होने वाला है, और लेजर शो होएगा यहाँ पे फाउंटेन वाला सामने, देखिए वो फाउंटेन लगे हुए हैं। 6:30 बजे शो है ये, बहुत ही बढ़िया शो होता है, पूरी हिस्ट्री बताई जाती है यहाँ पे। और देखिए सनसेट, गढ़ीसर लेक जैसलमेर का सनसेट, बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है, और हम पैडल बोटिंग में बोटिंग कर रहे हैं, और वहाँ से चले थे वो उधर कोने से, वो रहा वो रहा, उसको पैडल मारते मारते हम थक गए हैं। हम नहीं थके हैं, थकने वाले थके हैं, हम नहीं थके, थक गए हैं दोस्तों, आप आइए हमारी हेल्प कीजिए। हाँ, गाइस हम लेक से अब पहुंच चुके हैं जैसलमेर फोर्ट पे, और लाइटिंग हो गई है फोर्ट की, यहाँ से सुबह हमने एंटर करा था, और ये पूरा फोर्ट लाइटिंग से जगमगा रहा है पूरा जैसलमेर ये फोर्ट। और ये मार्केट, कल सुबह हम यहीं से आए थे और वापसी अपने होटल को जा रहे हैं अभी। तो गाइस 9 बज चुके हैं और हम पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट में, और ये है बीकानेर रेस्टोरेंट, और मैंने मंगाया है खिचड़ी और कड़ी, और मैडम ने मंगाया है रवा मसाला डोसा। तो ये हमारा डिनर है, तो इसके बाद हम जा रहे हैं सीधा होटल में। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत ही मतलब कि 12 बजे से हम कंटिन्यू चल रहे हैं, 9 घंटे हो गए हैं,
और काफ़ी लंबा आज का दिन था, और जैसलमेर भी घूमने के लिए काफ़ी जगह है, तो मेरा तो दिन बढ़िया रहा और आपको भी व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक करना। तो अंत में दोस्तों राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद, सायोनारा।